हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं चिकन की, मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं, बट आज जो मैं चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक फ्लेवर है। आज मैं आपके लिए आंध्रा स्पेशल चिली चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसका जो फ्लेवर है ना, थोड़ा टैंगी है और स्पाइसी है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है जब आप इसे मेरे बताए तरीके से बनाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और इसे अपने घर पे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद आए मेरा वीडियो तो उसे लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए मेरे किचन में और बनाना शुरू करते हैं आंध्रा स्पेशल चिली चिकन। तो देखिए, चिली चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक हरा मसाला बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने मिक्सी का छोटा वाला जार ले लिया था, उसमें मैंने 4 से 5 हरी मिर्च डाली है। ये हरी मिर्च तीखी वाली है और मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो चिकन की रेसिपी है ना, ये थोड़ी चटपटी बनकर तैयार होती है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक बंडल डाल दिया था धनिए के पत्ते का, मतलब अगर आप कप में पूछेंगे तो एक कप बिल्कुल भर कर था। तो यहाँ पर मैंने पूरा डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ पर पुदीने के पत्ते भी थोड़े बहुत डाल सकते, उससे भी बहुत अच्छा खुशबूदार बन के तैयार होता है ये चिली चिकन। अब देखिए, 1 टीस्पून नमक भी डाल दिया है और 1 टेबलस्पून देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ऑयल। अब आपको इसे पीस लेना है, ज़रूरत पड़े तो 1 या 2 टेबलस्पून पानी डाल के आप इसे बिल्कुल फाइन एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन वॉश करके रखा हुआ है, पानी सारा ड्रेन कर दिया था। उसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। उसमें अब मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून भर के डालिएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब आपको यहाँ पर थोड़े बहुत मसाले डालने हैं, इस रेसिपी में ज़्यादा मसाले जाते नहीं हैं। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गरम मसाले का पाउडर। ये होममेड पाउडर है, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही खुशबूदार गरम मसाला बनकर तैयार होगा अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक भी डाल दिया, नमक थोड़ा कम डालेगा क्योंकि हमने हरे मसाले में भी नमक डाला है। 1 टीस्पून यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। 1/2 कप मैंने यहाँ पर दही डाला है, तो ध्यान रखिएगा ज़्यादा खट्टा वाला दही ना लें, मतलब पुराना दही ना लें, फ्रेश दही लीजिएगा। 3 यहाँ पर बड़ी प्याज ली है, तो अगर आप कप में पूछेंगे तो ये 2.5 कप प्याज है, बिल्कुल बड़ी वाली प्याज लिएगा और उन्हें बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस कर लिएगा। अब आपको इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर सब कुछ मिक्स कर दिया, इसे 1/2 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए मैरिनेट होने के लिए। अगर ज़्यादा देर के लिए छोड़ें तो आप फ्रिज में रखिएगा इसे। तो चलिए, हमारा यहाँ पर 1 घंटा हो गया है, मैंने 1 घंटे के लिए चिकन को रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। तो अब चलिए इसे बना भी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पैन में मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाला, उसमें डाला है मैंने 1 टीस्पून राई का दाना, 1 टीस्पून ज़ीरा, थोड़े बहुत करी लीव्स डाले हैं। करी लीव्स हैं तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। ये सब जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा ना, तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे अपना चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। पूरा चिकन ऐसे डाल दीजिए, फ्लेम को आपको हाई पर रखना है इस पॉइंट पे, क्योंकि चिकन डालते ही ना तेल जो होता है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। सारा मसाला डालिएगा, कुछ भी वेस्ट मत करिएगा। डालने के बाद अब आपको इसे हाई फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि जो चिकन का कलर है ना थोड़ा चेंज हो जाए। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर लेती हूँ इसे। फ्लेम पूरे प्रोसेस पे आप हाई पर ही रखिएगा, तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से ऐसी भूनेंगे, ताकि एक अच्छा सा महक खुशबू हमारे चिकन में आए। तो मैं इसे भून लेती हूँ पहले। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर चिकन अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, बबल्स आ गया है। तो बस अब हम फ्लेम को लेंगे मीडियम पे और इसे कवर करके अब हम 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में आपको चेक करना है। तो देखिए, यहाँ पर टोटल मैंने 10 से 12 मिनट इसे पकाया है मीडियम फ्लेम पर। बीच बीच में मैंने चेक किया है, चिकन जो है ना ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा कसर बाकी है। तो यहाँ पर देखिए मिक्स कर दिया है, वो बाकी कसर हम आगे चल के करेंगे। तो देखिए, इसे क्विक मिक्स दे दिया है मैंने, आप देख सकते हैं ऑयल वगैरह सारा रिलीज हो गया है और जो हमने प्याज डाली थी वो भी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे अपना हरा मसाला जो हमने बनाया था, तो वो पूरा मसाला अब हम इसमें डाल देंगे। डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फ्लेम बिल्कुल लो पर ले आएंगे। तो इसे मैं पहले मिक्स कर देती हूँ। दोस्तों, ये मसाला डालते ही ना चिकन का जो फ्लेवर है ना टोटली डिफरेंट हो जाता है, इतना टेस्टी कि मतलब अगर आप एक निवाला खाएंगे ना इसका तो बस आपके मुंह में पानी आ जाएगा, इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है ये चिली चिकन। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया है और फ्लेम मेरा अभी
मीडियम पे है, पहले मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे लो फ्लेम पे ले आऊँगी। तो आप सब लोग ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा। आप लोग को कैसा लग रहा है ये रेसिपी, ये वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो देखें, यहाँ पर मैंने डाल दिया है आधा कप पानी। आधा कप से थोड़ा सा पानी डाला था, जो ग्राइंडर में बचा हुआ मसाला था ना, उस मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया है। अब ये जो चिली चिकन है ना, ये पानी वाला नहीं बनता है, इसका ग्रेवी थिक ग्रेवी होता है, जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं। फ्लेम अभी बिल्कुल लो पर है, लो फ्लेम पे हम इसे कवर कर देंगे बिल्कुल 10 मिनट के लिए, ताकि ये हरा मसाला भी पक जाए और जो कसर रह गई है ना हमारे चिकन के पकने में, वो भी डन हो जाए। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ सिर्फ 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे कि कैसा लग रहा है। तो देखिए, यहाँ पर टोटल दोस्तों 10 मिनट हो गया है। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून डाला है लेमन जूस लास्ट में, और इसे मिक्स कर देंगे। दोस्तों, इतना टेस्टी ये चिकन करी है कि बस आप पूछे ही मत, मेरे तो मुँह में अभी से ही पानी आ रहा है। जब आप इसे बना कर खाएंगे तो आप सच में तारीफ़ करेंगे इस चिकन की। तो यहाँ पर मिक्स कर दिया है, चिकन हमारा पूरा डन हो गया है, हरा मसाला भी हमारा पक गया है, चिकन भी पक गया। और आप देखिए, इसका ग्रेवी ऐसा ही होता है, इसे आप पानीदार या फिर ज़्यादा लिक्विडी मत बनाइएगा। तो यहाँ पर मैं अब गैस को ऑफ़ कर देती हूँ और इसे कवर कर देती हूँ 10-15 मिनट के लिए, ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे, ताकि इसका सारा फ्लेवर ना चिकन में सेटल हो जाए। तो चलिए, अब मैं इसे सर्व करती हूँ 5-10 मिनट के बाद। तो देखिए, हमारा आंध्रा स्पेशल चिली चिकन बनकर रेडी हो गया है दोस्तों। दोस्तों, जब मैंने इसे पहली बार अपने घर पे बनाया था ना, तब मैंने इसका वीडियो नहीं लिया था, क्योंकि मेरे को एक डाउट था कि पता नहीं कैसा बनकर रेडी होगा। पर जब मैंने इसे बनाया और खाया, पूरे घर वालों ने तारीफ़ करी, और रियली इतना टेस्टी था कि मेरे को लगा ये रेसिपी तो आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर भूल गए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। उसके अपोजिट जो ये बेल का आइकन है ना, इसे ज़रूर दबाइएगा। दबाते ही आपको ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा, उसे भी ज़रूर क्लिक करिएगा, तभी आपको मेरी सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। तो चलिए, अगली और अच्छी रेसिपी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।